तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांगे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो केंदी ए सहनाई आया लाड़िए नी मेरा सिर वाला मतलब क्या मेरी बारी आई तो मुझे बंद कर दी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कभी कभार दिल से खास तौर पे जब गाने ऐसे बज रहे होते हैं दिल से जरा जरा सा भंगड़ा करने को दिल चाहता है कि हस्बैंड साहब माइंड ना करें मतलब कभी कभार मेहंदी पे जाते तो हमारा भी दिल चाहता है सबका दिल चाहता है क्योंकि इतनी फिक्रें हैं हर तरफ कभी बिजली के बिल की टेंशन रात को हमारा एक एसी खुला रह गया मेरी बच्ची पढ़ रही थी और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई और एसी खोल कर चली गई सुबह के वक्त जब मैं मेकअप करने के लिए उस रूम में गई तो वो एसी खुला हुआ था और मुझे टेंशन यासर को नहीं बताया क्योंकि बिजली का बिल जो है ना वो देता है और जो अगर ज़्यादा आ जाए तो हमारी खैर नहीं होती क्योंकि कभी कभार घर की खवातीन और घर के बच्चे जो है ना जो घर में होते हैं वो नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं बिजली का दोपहर में भी खोल लेती हैं दोपहर में भी बिजली मतलब लाइक एसी चल रहा होता है रात में भी चल रहा होता है कभी कभार मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ख़ासतौर पर एसी का बिजली का तो फिर आपके हस्बैंड के कंधों पर प्रेशर बढ़ जाता है और फिर ये फिक्रें बिजली के बिल की टेंशन सौदे की टेंशन कभी मालिक मकान से नोक झोंक हो जाती है किराया टाइम पे नहीं दिया या किराए में कभी ज़रा छूट करवानी हो तो उसकी टेंशन फिर और क्या ज़िंदगी की तो कोई कम टेंशन तो होती नहीं बाकी सारी टेंशन तो हो ही नहीं होती हैं शौहर की बीवी से बीवी की शौहर से शौहर की अपने बॉसेस से बीवी की अपनी पड़ोसन से बीवी की अपनी मासी से तो ये टेंशन का जो माहौल हर तरफ क्रिएट हुआ है उसमें अगर कोई अच्छी खुशी की प्यारी खबर सुनने को मिलती है तो मेरा दिल चाहता है मैं फ़ौरन आपसे शेयर करूं और बहुत सारे लोग ज़िंदगी में मुस्तकिल मेहनत करते चले जा रहे हैं मेहनत करते चले जा रहे हैं देखिए अगर आप मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप मेहनत से अपने बच्चों को पालती हैं आप अपने घर की डेकोरेशन करती हैं आप खाना अच्छा पकाती हैं और आपको दो बोल एक रिवॉर्ड के तौर पर तारीफ़ के मिल जाएँ बच्चे कह दे मम्मा क्या खाना पका है मियाँ कह दे यार ज़बरदस्त और कभी घर में एंटर होते ही कोई सेटिंग आपने चेंज की है या कोई ऐसी नई चीज़ आपने की और उसकी अप्रिसिएशन आपको ज़बानी आपके अपनों से मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है बस वही सोच लीजिए वो लोग जो अपने टैलेंट को मनवा चुके हैं और न जाने कितने सालों से आपकी खिदमात में एंटरटेन कर रहे हैं आपके लिए चाहे कोरोना हो चाहे कोई और चीज़ हो वो अपने पैरों पे खड़े हो के आपके लिए वो एंटरटेनमेंट का सामान इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आते हैं ये भी किसी बड़ी खिदमत से कम नहीं और अगर उनको उनकी गवर्नमेंट ने अवार्ड से नवाजा है तो हम क्यों ना जिक्र करें तो हमारे बहुत ही प्यारे हुमायूं सईद हमारी बहुत ही डार्लिंग बुशरा अंसारी जो सबकी डार्लिंग है और सुल्ताना सिद्दीकी जो हम टीवी की सीईओ भी हैं और बहुत पुरानी पीटीवी की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ड्रामे पेश किए हैं अली जफ़र हमारे रेशम हाँ माशाल्लाह और भी लिस्ट में नाम है सकीना सम्मो के हाँ सकीना सम्मो माशाल्लाह इन सबको हम सिविल अवार्ड्स मिलने पर मुबारकबाद देते हैं बड़ी खुशी की खबर है कि आपकी खिदमत जो आपने पहले बाद में या अभी भी आप सर अंजाम दे रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन आपको गवर्नमेंट ने दी और अच्छा लगता है ये चीज़ एक छोटे बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक को भी कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है तो उसका खून 1.5 किलो बढ़ जाता है तो इसीलिए मुबारकबाद देना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने सिविल अवार्ड हासिल किया और हमें कोई हक नहीं बनता किसी को भी किसी के ऊपर ये जुमला मारने का क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी बड़ा दुख हुआ था मैं भी शायद चूँकि इतनी मेहनती एक्ट्रेस है मैंने उसकी मेहनत मैं गवाह हूँ उसकी मेहनत की उसने किस तरह से अपने करियर का आगाज़ किया कितनी मेहनत की है अपनी अपनी बॉडी पर अपने फेस पर अपनी एक्टिंग स्किल्स पर
और अपने आप को ग्रूम करके अगर उन्होंने सिविल अवार्ड जीता था तो क्या ज़रूरत थी लोगों को ट्रोल करने की। आपको नहीं पता होता कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब नहीं पता होता तो जिसको खुदा इज़्ज़त देता है उसको इंसान को इज़्ज़त देनी पड़ती है, ये तो भाई कुदरत का रूल है। तो इसीलिए मैं आपसे खुशी की खबर शेयर करना चाहती हूँ और दिली मुबारकबाद अपने कलीग्स को देना चाहूँगी, अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबियाँ दे। जी पैकेज भी दिखाना चाहूँगी कि जिन जिन को अवार्ड मिला है, आइए चल के देखते हैं की तरफ से। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक माँ से उनका रोता हुआ बच्चा लिया, और जैसे आप नोट करें जब भी आप किसी रोते हुए बच्चे को लेते हैं और खड़े होकर ज़रा उसको चुप कराते हैं तो बच्चे को सुकून मिलता है, बच्चों के कान में दर्द हो रहा होता है, ख़ासतौर पे प्लेन में बच्चा कितना तंग करता है, फिर उसके आस पास के जितने भी लोग हैं वो ऑफेंड भी हो रहे होते हैं, शक्लें भी बना रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त जो क्रू मेम्बर ने अपनी वो काइंडनेस दिखाई वो किसी भी अप्रिसिएशन से कम नहीं, और इसलिए उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया। वेरी हैप्पी ना, माशाल्लाह। हमेशा हम बुरी 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 चीज़ें कर रहे होते हैं, यहाँ ये निकल आया, वो निकल आया, ये हो गया, एयरलाइन में हो गया, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ है तो उसको भी सराहना हमारी ड्यूटी है। साथ ही साथ खुशखबरी है हमारे नाज़रीन के लिए, आपने पब्लिक बसेस में सफ़र करते होंगे, मैंने भी किया है, मेरी अम्मी ने ख़ास तौर पर हमें धूप छाँव बताने के लिए कि दुनिया क्या है पब्लिक बसेस में हमें ख़ास तौर पे जान के सफ़र कराया। तो पूरे एक दो साल जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी या कॉलेज लाइफ में थी तो मैंने पब्लिक बसेस में सफ़र किया, मैंने भी बसों के धक्के खाए हैं, ये मैं आज बखूबी एक प्राउड होके कह सकती हूँ कि मैं अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं भी बड़ी मेहनत से पहुँची हूँ। और अब आपकी आपकी जो मेहनत आप करते हैं, कहीं भी आना जाना करते हैं, बसों में लटकते हैं, धक्के खाते हैं, उनमें थोड़ी सी कमी इस तरह आएगी कि आपके लिए कंडक्टर लेस बसेस का इंतज़ाम किया जा रहा है, और हर आदमी उस बस में बैठ के जाएगा, धक्के खा के नहीं, लटक के नहीं, छेड़ कर नहीं, क्योंकि ये कंडक्टर लेस बसेस होंगी। अगर हमें गवर्नमेंट अच्छी चीज़ें बना के फराहम कर रही है तो एज़ सिविलियन हमारी ड्यूटी है कि हम उसको किस तरह साफ़ रखते हैं। गलती हमारी भी होती है, हम भी इस तरह ओवरलोडेड होकर बसेस में चले जाते हैं कि दूसरी बस पता नहीं कब आएगी, और फिर हम गालियाँ अपनी इंतज़ामिया को दे रहे होते हैं कि ये हो गया, वो फलाना हो गया, हमारा भी इसमें बाकायदा हमारा कसूर है चीज़ों को ख़राब करने में। माशाल्लाह आप देखिए ज़रा दुनिया भर में गवर्नमेंट के वॉशरूम्स और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि उन वॉशरूम्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वहाँ हीरोइन ची घुस के हीरोइन पीने लगते हैं और नाजायज़ और काम होने लगते हैं। क्या करें, मतलब कुछ पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा अगर चीज़ें बेहतर बनानी है। अच्छा भाई, जैसे कि रस्में रवायात थोड़ी बहुत तब्दील होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी कुछ हमने शादियां देखी हैं जिसमें रुखसती में दुल्हन रोती भी नहीं जाती, ज़रा रिलैक्स होकर जा रही होती है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आई गेस देखें लोगों का टाइम और पैसा और एनर्जी सेव करने के लिए जो वो एक लंबी कतार की रस्म व रिवाज होते थे, कवाली नाइट, फिर पता नहीं क्या ब्राइडल शार, उसके बाद माइयो, फिर एक मेहंदी, फिर दो मेहंदी, फिर शादी, फिर वलीमा, फिर चौथी, मतलब सिलसिला जब शादी का शुरू होता था तो ख़त्म ही नहीं होता था। घर वाले थक जाते थे, मेहमान जो है वो नाराज़ हो जाते थे कि उनको सही तौर पर रिसीव नहीं किया, क्योंकि घर वाले बिल्कुल थक चुके होते थे एंड तक। अब जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है शेंदी का, जिसमें शादी और मेहंदी इकट्ठा एक जो मतलब फेस्टिवल है, एक दो जो बजट्स हैं उनको एक स्क्वीज कर दिया जाता है, एक सेटअप होता है, टाइम कम देना पड़ता है, जो मेहमान हैं उनको टाइम निकालना कम पड़ता है, और साथ साथ अच्छे अच्छे डांस करते करते, गाने गाते गाते, कोई बोरियत नहीं होती है, कोई गॉसिप नहीं होती, सब लगे हुए होते हैं गाने बजाने नाचने धूम धड़क्के में, और इस तरह रुखसती करीब आ जाती है। रुखसती जब करीब आती है तो दुल्हन दुल्हा पूरे घर वालों का मूड वैसे ही इतना अपलिफ्ट हुआ हुआ होता है कि उस वक्त बहुत सारी रुखसती पे मुझे लड़कियां रोती भी नहीं नज़र आई, और उनका मेकअप भी नहीं ख़राब होता, बाद में घर जाके उनका फोटो सेशन भी अच्छा हो जाता है। तो आइए ज़रा शेंदी खेलते हैं हम एक साथ मिलकर। आज यहाँ शेंदी का सेटअप है, एम्बियांस शेंदी का क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन हमारे
सेलिब्रिटीज जो आपको फिल्मों में ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, साथ यहाँ आज परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। एक आध तो ऐसे जिन्होंने फिल्मों में भी परफॉर्म किया है और बहुत वो अपने डांस की वजह से बड़े मशहूर हुए, अपने डांस स्टेप्स और अपने अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से उनकी बड़ी मतलब लाइक फेमस हुए हैं वो। तो आज आपके सामने सेलिब्रिटीज होंगे परफॉर्मेंस दिखाते हुए इस छोटे से मॉर्निंग शो के सेट पे। बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देखेंगे आज आप और महजूज होंगे, क्योंकि जो फिक्रें आपने पाल रखी है ना उसको ढाई घंटे के लिए जरा साइड पे करें और इंजॉय करें हमारा शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान भाई, थोड़ी देर के लिए अपनी फिक्रें भूल जाएं और इंजॉय करें हमारा शो, क्योंकि हमारे सेलिब्रिटीज ने इतनी मेहनत की है आपको एंटरटेन करने के लिए सुबह सुबह। जस्ट इमेजिन सुबह सुबह अगर आप जो गाने यहाँ हमारे पाकिस्तानी गाने जो यहाँ बज रहे हैं अगर उन पे आप थोड़ा सा, कोई है नहीं अगर आसपास तो खड़ी हो जाएं और थोड़ा हिप हॉप करें, आपके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज। बड़ी सच्ची में सुबह अगर आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज हो गया, और सच्ची में थोड़ा बहुत डांस वांस करने से ना हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज आपको बोरिंग लगती है तो मैं ख़वातीन को लाजमी समझाती हूँ कि कोई अच्छे से गाने लगाएं, कमरा बंद करें और ये भंगड़ा ये जो करना है आप करें, उसकी वजह से आप बहुत अपने आप को खुश पाएंगी। आपका एक खुशी का एलिमेंट, खुशी का हार्मोन रिलीज होता है, ये नेचुरल फैक्ट है। ये मुझे बताया है भाई डॉक्टर वॉक्टर ने बताया है, मैं सच अपने दिल से नहीं बोल रही हूँ, पूरी रिसर्च है। आइए वो जो शहंदी का एम्बियांस हमने क्रिएट किया है उसमें वो सेलिब्रिटीज जो आप ड्रामों में देखते हैं आज उनको यहाँ बुलाते हैं और उनके साथ मज़ेदार परफॉर्मेंसेस इंजॉय करते हैं। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले हमारी जोरे जिनको आप ड्रामों में देखते हैं, आज वो पहली दफ़ा ऑन स्क्रीन परफॉर्म करेंगी क्योंकि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। वेलकम करते हैं जोरे अमीर, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त खास तौर पे लाहौर से आई है और वो परफॉर्म करेंगी। नताशा अली हमारे साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जोरे? पहली पहली दफा आप परफॉर्म कर रही हैं, कैसा लग रहा है? माइक बहुत अच्छा लग रहा है और नर्वस तो नहीं जरा? कैसी है मेरी गुलाब? थोड़ा सा नर्वसनेस तो है बिकॉज पहली दफा है कि मैं परफॉर्म करूंगी और कभी डांस किया नहीं है मैंने, कभी नहीं किया लाइक मेहंदियों में भी नहीं, कजन्स की शादी, एमन मिनाल की मेहंदी, एमन की मेहंदी की प्रैक्टिसेस सारी मैंने भरपूर तरीके से की, लेकिन जिस दिन शो था जिस दिन उसकी मेहंदी थी उस दिन मैं आई बैक्ड आउट, क्योंकि आई हैव दिस फोबिया कि मैं डांस मैंने कभी किसी सामने किया नहीं है, बट इट्स द फर्स्ट टाइम, तो देखें आप क्या। अभी कोई शुक्र है कि अभी बैक आउट नहीं किया, ये भी बड़ी बात मेरे लिए, मतलब मेरी इस ये किसी की मेहंदी नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या करती लाइव शो में, मुझे ही खड़े होना पड़ता फिर एंड में। नताशा तुम करती हो अपने कजन्स भाइयों की शादी जब बचपन से आगे आ रही हूँ। हाँ, और शुरू में तो मैं कमरा बंद करके शीशे के आगे डांस करती रहती थी। नहीं यार, स्कूल से आती थी अम्मी कहती होमवर्क कर लो, मैं डांस कर रही होती थी कमरा बंद करके, बड़ी डांटे खाई। फिर उसके बाद आपको तो पता है मैंने बहुत सारे शोज में भी डांस परफॉर्मेंसेस दी हैं, फिर प्लेज में भी दी हैं, और कोई शादियां होती है डॉली की आएगी बारात में तो भाई पूरा एक मेडले होता था, मजा आता, स्पेशल गाने बनवाए गए थे शाजिया जी से और बहुत अच्छे थे, और सारी मेहंदियों में हमने कितने यूज किए हैं वो गाने, मतलब अभी तक यूज हो रहे हैं, अभी तक यूज होते हैं। तो तुम भी बहुत दिल से करती हो ना परफॉर्म और ये मजा आता है ना, है ना, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है कि नहीं? सच्ची बात बिल्कुल होता है, डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है डांस करने से, अगर आप म्यूजिक लगाएं खाली म्यूजिक सुन के भी आप बड़े रिलैक्स हो जाते हो, लेकिन दुखी और स्लो म्यूजिक नहीं, थोड़ा फास्ट म्यूजिक सुने और उस पे थोड़ा सा हिलजुल लें, आपके स्ट्रेस लेवल ही कम हो जाता है बड़ा। तो दोरे तुम घर में परफॉर्म करती हो कभी कि नहीं? एक्सरसाइज करने के लिए आई यूजुअली प्रिफर डांसिंग, लेकिन वो बात ये कि किसी के सामने कभी नहीं किया, किसी के सामने हाँ, तो पहली दफा, मतलब ये बड़ी अच्छी डांसर होगी अगर ये अकेले डांस करती है तो, आई होप ये पहली दफा अपने फैंस के सामने परफॉर्म करेगी। अच्छा हमारे साथ आज हमने इस दफा हमने डिफरेंट लोगों को इकट्ठा किया एक साथ, एक जी ड्रामे की तरफ से हो गए, कोई फिल्म की तरफ से हो गया और कोई मॉडलिंग की दुनिया से भी, तो हम बुला रहे हैं अब बिलाल
इकबाल को जो कि एक मॉडल है, आपको मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में भी नज़र आए, मैंने वहीं से पकड़ा, मैंने को बिलाल तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं और वो मॉर्निंग शोज में भी बड़े अच्छे डांस कर चुके हैं, शायस्ता के शोज़ में काफ़ी उनकी मैंने अपेयरेंस देखी थी और एक्ट भी करते रहे। आइए वेलकम करते हैं बिलाल से, खास तौर पर लाहौर से आए हैं जी। अच्छा उल्टा हो गया, टिकट तुम्हें दिया था अब तो मैंने शादी में ये चीजें होती है, रियल लाइफ में भी होती है, सेट पे भी होती है। तो बिलाल, लेकिन मैंने तो आपको लाहौर के शोज में बहुत देखा है, अब लाहौर जाते थे फिर? अब देखिए, आपने बुलाया, यहाँ आ गए, लाहौर वाले बुलाते हैं, लाहौर चले जाते हैं। क्या बात है, मजदूर है ना, काम करना है, कहीं भी जाए। माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेट बहुत अच्छा है भाई, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस दफा बहुत ही डिफरेंट गेस्ट इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और अब मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ जिन्होंने यार इतनी बड़ी फिल्म उनको मिली थी भाई, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, उन्होंने में परफॉर्म किया था और उनको पिक करने की खास वजह ये थी कि वो लुक भी उनकी बड़ी अच्छी है, हीरो वाली लुक है, लेकिन वो डांस बड़ा अच्छा करते हैं और उनका डांस मैंने मुख्तलिफ मेहंदियों में, जैसे शोबिस की नहीं शादियाँ हो रही होती अपने दोस्तों की मेहंदी, उन पर सब पे मैंने देखा, और हमारे जो हमारा प्रोग्राम होता था वहीं से ये पिक हुए, नचले हमारा प्रोग्राम होता था, वहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसके विनर भी रह चुके हैं। तो देख लीजिए भाई, हमारे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, मैं तो उनको कहूंगी तुम फिल्म के बंदे हो, तुम ड्रामे के बंदे नहीं हो। तो आइए वेलकम करते हैं नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ। मैं तो इंस्पायर होती रहती हूँ ना आपकी वो एक्सरसाइज वाली वीडियोस देख के, ये बंदा भाई जरा सा होता है ना, शादी के बाद लड़कियां भी वेट गेन करती है तो मर्द भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और नुमान ने भी किया, लेकिन फिर दोबारा वापस, अभी फिर बढ़ गया है कोशिश, नजर नहीं आ रहा, आपने इतनी अच्छी वेस्ट कोट पहनी है कि चुक गया। हाँ वो अच्छा, अच्छी ड्रेसिंग की है ना मेरे डिजाइनर ने, तो अच्छा लगा। नुमान के वेट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मैं जब भी इसके साथ शूट पर होती हूं तो ये ज्यादातर डाइटिंग ही कर रहा होता है। जब टाइम मिलता है डाइटिंग कर लो। टेंडेंसी है नुमान आपके अंदर? हाँ है, फैमिली की तरह से टेंडेंसी है, फौरन यहाँ आ जाते हैं मुंह पे, गालों पे। ये बेबी फैट है मेरे, बेबी फैट है। अभी और 10 साल लग जाएंगे इसको उतरते उतरते। ये होता है फैमिली की तरफ से होता है, हमारा भी ये, बेशक दाल खाएं आधी रोटी खाएं लेकिन वेट बढ़ना। अच्छा जैसे मैं सबसे पूछ रही थी नुमान, आपकी फैमिली में जब शादी ये वो सारी मेहंदियाँ होती थी तो नुमान को घसीट के सबसे आगे रखा जाता था? ऐसा नहीं है, मैं जो है ना बहुत कम शादियों में जाता हूँ। अच्छा, अच्छा, अगर बहुत सारी इवेंट्स है तो मैं एक इवेंट अटेंड करता हूँ, मेरी एक आदत है कि मुझे बस वहाँ जाके मैं मतलब अगर अपने हों बहुत करीबी तो फिर सारे इवेंट अटेंड करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता, मुझे मतलब बोरियत लगती है, जाके बैठ जाओ, टाइम देखो, थोड़ा टाइम ढोलकिया वोलकिया नहीं अटेंड की शोबिज से पहले भी नहीं? नहीं, बहुत कम की है, बहुत कम की है। अरे मुझे तो लगता है आप बड़े फन लविंग हैं और कजन्स के साथ। ऐसा नहीं है, लेकिन वो शादियाँ मुझे लगता है जरा वो जो है लड़कियों का त्यौहार है, मतलब वो ज्यादा एंजॉय करती है। हां जी ज्यादा एंजॉय करती है, इसलिए मेरा क्या एक्सक्यूज होगा, मुझे भी नहीं क्या आप ये देखो जैसे आप अगर मेरे बारे में आप ये सोच सकती हैं कि मैं नहीं जाती लोगों को मिलने के लिए, मैं भागती हूँ, मैं कहती हूँ कोई इवेंट है बस वो मुझे नहीं जाना, मुझे माइक में बोलो माइक में, मुझे ज्यादा रश में नहीं जाना, मुझे ज्यादा जहाँ पे लोग हैं मुझे वहाँ नहीं जाना, बस मैं मेरी तरफ से घर वाले चले जाएं और ये मुझे देख के लगता है, हालांकि मैं कितना अलग लगती हूँ लेकिन मैं भागती हूँ लोगों में जाने से, लोगों से इंटरेक्ट करने में मैं भागती हूँ सीरियसली। मुझे तो शादी में जाने में इतना मजा आता है, वो कोरमे की खुशबू वो बिरयानी, आई डोंट नो, मुझे होता है लोग अक्सर मैंने देखा है सेलिब्रिटीज मतलब लाइक जब थोड़ा मशहूर होने के बाद शादी अटेंड करते हैं, लिफाफा दिया और खाना इससे पहले चले जाते हैं, मैं नहीं जाती जब मैं किसी शादी में थी तैयार होकर गई हूँ तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी के नहीं जा सकती, मुझे तो खाना भी खाना है, वो मुझे बहुत पता नहीं क्यों बचपन से ही शादी का खाना जिस तरह उसमें लोग टूटते हैं मैं भी टूटती हूँ उन लोगों में, मेरा भी शुमार है। प्रॉपर एंजॉय करना है। मैं शादी मुझे बहुत पसंद है, खासतौर पे मेहंदी, चाहे थके हुए डांस हो रहे हो मेहंदी में ऐसे बुरे बुरे हो रहे हो लेकिन पता नहीं क्यों आई डोंट नो वो पूरा हल्ला गुल्ला माहौल बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो मेरी शादी में आ रही है ना पक्का? क्या मेरी शादी में आ रही है ना फिर पक्का? मुझे पता नहीं था कि आप कराची में रहते हैं, अब सही। तो जी पहले हमारे आप चारों में से कौन है जो पहली दफा
आप करियो ना पहली दफा परफॉर्म, पहली दफा करियो तो आपसे शुरू करें, सब भागे के लिए पहले सब वही नहीं जो शादियों में होता है ऐसे कि आ आ तुमसे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा करना सबने होता है करना सबने होता है, तैयारियां सबकी होती है लेकिन पीछे होना होता है। तुम्हारी मेहंदी में क्या हुआ था, तुमने दुल्हन भी करती है ना कभी परफॉर्म? मैंने नहीं किया था, नहीं किया था, सिंपल तुम्हारी बहन ने किया। हाँ उन्होंने भी, उन्हें ढोलकी हुई थी, डांस ऐसे हुए नहीं थे, कोरोना में हुई थी ना, इतना हो नहीं पाया, लेकिन अगर होता तो फिर प्रॉपर मैं भी करती, मेरे हस्बैंड भी करते, हमने कहा पहले कर लेते और फिर खुल के परफॉर्म करते। कोरोना में ही होगी जी ये सब, ये कोरोना वाली शादियां हैं यहाँ पे दो लोगों की। तुम्हारी मेहंदी हुई थी क्या या नहीं? मैंने बताया तो था आपको, सिर्फ एक दिन का ड्यू है, हम पर ड्यू है, जब तक दूल्हा भाई, मेरी मेहंदी दूल्हा भाई तैयार हो जाए, सीरियसली दूल्हा भाई तैयार हो जाए। अच्छा वो बता भी रही है आपने करनी है मेरी मेहंदी। नुमान आपकी मेहंदी में क्या हुआ था, आप लोगों ने परफॉर्म किया था या आपकी बेगम शर्मीली सी हैं? मेरी मेहंदी लाहौर में हुई थी, तो सुबह निकाह था मस्जिद में और रात को मेहंदी थी। अच्छा, और लाहौर का मतलब है कि हम कराची वाले 10 बजे घर से निकलते हैं और वहाँ 10 बजे सब बंद हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जरा परमिशन लेके जरा लंबा इवेंट किया हमने। हाँ। और बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट था। हाँ। शफकत चीमा साहब आए थे और मुझे बड़ी खुशी थी। ओ। और वो मेरे, मैंने फिल्म की थी, मेरे फादर हाँ। उसमें कैरेक्टर था उनका, तो मैं उनका बेटा बना था। अच्छा। तो उनका वो जो एक भाइयों वाला प्यार था वो मुझे बड़ा उस दिन फील हुआ, वो हाँ। साथ थे। हाँ। और बड़ी खुशी, एक बड़ा मजे का इवेंट था। लेकिन डांस किया था अपनी मेहंदी पे? बिल्कुल किया था, रिहर्सल की थी। रिहर्सल में जो है बड़े आराम से जो है रिहर्सल कर ली, कोरियोग्राफर ने आके करवा दी। अब जो है जब जिस दिन इवेंट था, मुझे क्या पता दुल्हन का जो है ड्रेस इतना हेवी होता है। हाँ। वो दुल्हन ही उठ के दे रही मुझसे। वो एक स्टेप था मुझे तो आइडिया नहीं था कि इतना भारी हो सकता था। हाँ। तो वो जब एक स्टेप में उठाया ना तो बस मैं खड़ा ही रह गया, फिर मैंने वापस। हाँ मतलब वो बेचारी दुल्हन का वजन ज्यादा नहीं था, वो जोड़े का वजन ज्यादा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों को कि लोग रिहर्सल करते हैं तो घर पे दूसरे ड्रेसेस होते हैं और शादी में जो है ड्रेसेस दूसरे होते हैं, तो आप लोग स्पेशली इस चीज का ख्याल रखिएगा। ही मैन ना बन जाएगा कि मैं उठाऊंगा। बेचारी पतली सी है बिल्कुल, उसका तो वेट उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो तो शादी के बाद थोड़ा बढ़ा लिया। तो जनाब हम पहली परफॉर्मेंस शुरू करें, जोरे भाई लेडीज फर्स्ट, नताशा तुमसे कर लें, चलो ये थोड़ा घबरा रही है। इसको इतना नहीं, नहीं आप इतना आप पहले आप तुमसे कर लेते हैं ना, जरा उसका खून बढ़ जाए। नताशा तो ये लड़के पहले क्यों नहीं कर सकते, लेडीज फर्स्ट ना, लेडीज फर्स्ट। तो आइए जी, मैं तो जा रही हूँ वहाँ बैठने, रिलैक्स चिल, हम इंजॉय करेंगे हमारे सेलिब्रिटीज की। और थैंक यू, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने रिहर्सल किया हमारे अपने फैंस की खातिर और परफॉर्मेंस यहाँ दिखा रहे हैं, हम लोगों को सुबह सुबह एंटरटेन कर रहे हैं, तो मैं भी बन गई व्यूअर। आप लोग प्लीज तशरीफ रखें। ऑन दिस परफॉर्मेंस इज बाय नताशा। ये हमने आज ऑडियंस ही रखे, कल हमें लोगों ने कहा कि भाई आपने तो कोरोना है लड़कियां बैठा ली, मैंने जल्दी से कहा अच्छा बाय 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 घर जाओ भाई। सही। हाँ भाई मुझे नाराज नहीं करना किसी को, देखो वो बिल्कुल शादियों में नहीं होता इस तरह करना उस तरह करना है। तय कर रही है। ओके रेडी, गेट सेट एंड म्यूजिक। मर जाएंगे, जल जाएंगे
अदा है भाई. तो ये नताशा कभी कभार जो है आप अपने हस्बैंड को भी खुश करना हो, मनाना हो, तो बहुत सारे ऐसे मनाने वाले गाने हैं. तो ये जादू हस्बैंड पे चलता है कि नहीं? मेरा इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा डांस करते हैं. ओ माय गॉड मिलना पड़ेगा दूल्हा भाई. आप नताशा का कॉन्फिडेंस चेक कीजिए. आपने बोला कि फर्स्ट टाइम आप परफॉर्म करना है. ओके आ जाओ, ये चलो. हां चलो रेडी. मतलब सोचा भी नहीं कि क्या स्टेप थे, क्या सॉन्ग था. ओ भाई जबरदस्त. ये जबरदस्त. ओके जी, तैयार रहे इसी हंगामे के लिए, इसी एंटरटेनमेंट के लिए. आज सुबह सुबह आपकी आंखें खोल देंगे. हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे यहाँ और आपको आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज जरा जगा देंगे अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज एक एंटरटेनमेंट से भरपूर शो हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये वही एम्बियांस है जो आपके घरों में क्रिएट होता है, जिसमें नानी, दादी, पुप्पी, चाची सब खड़े हो जाते हैं उस डांस फ्लोर पे, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, इंजॉय करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं. लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज़ ने जिनका ताल्लुक फिल्म से है, ड्रामे से है, मॉडलिंग की फील्ड से है, उन्होंने आपके लिए ख़ास परफॉर्मेंस तैयार की है, बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर समझकर. आइए नेक्स्ट परफॉर्मेंस हम आपको दिखाते हैं बिलाल की. ये अब मैं भी देखूंगी. तालियां पीछे से ही लगा दो, नकली तालियां लगा दो. आप लोग रेडी हो तो बताएगा फिर मैं म्यूजिक का. रेडी, गेट सेट, म्यूजिक. Greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up when this track is very, very thousand latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri bebe mujhe dekhe bole. Astaghfar. Tati chad di jawani, kar meri man mani. Agar dovan paase lagi hai, tu kithe na se jaani. One look at you and I can say, ho gaya pyar, bar bar. Ek bari ak maar yaar. Chori chori kar di hai, tu glance. Baby, come and take a chance. Main te munda efficient, soni hai, soni hai. So, what are you waiting for? जबरदस्त. क्या बात है आपकी भाई, छा गए आप लोग तो. ओए होए, हमने पीछे ऐसे ही लगा दिया. हम लड़के वाले, हम लड़की वाले. मुझे लगता है, मैं तो कहती हूँ, ये होना ही नहीं चाहिए, मिलकर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, है ना. अच्छा, कैसे पता चला? नुमान, आपसे पूछती हूँ कि मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ. जब आप कह रहे मैं तो शादी वगैरह में जाता ही नहीं था, किसने बताया, कैसे महसूस हुआ कि लाइक हाँ भाई डांस आता है मुझे? मेरी सोच ये है कि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, हाँ. आप प्रॉपर इंजॉय कर रहे हैं, हाँ. तो सामने वाला भी इंजॉय करेगा. अब हाँ. बेशक आपको डांस अच्छा आता हो ना आता हो, एक्सप्रेशन जो है ना, वो सामने वाले को कैप्चर कर लेते हैं. असल चीज ये है, अक्सर डांस जब आपने बहुत सारे डांसर ऐसे हैं, अगर आप देखें गोविंदा जो बहुत मशहूर है, फेस से कैप्चर करते हैं उनकी बॉडी. इतने डांस में मैं नॉर्मल है. ऋतिक का डांस बहुत ज्यादा वो एक्शन फास्ट है, बहुत बॉडी बॉडी बहुत लचक है. एक्सप्रेशन मैटर करते हैं. गोविंदा की वाकई वो लगता था बहुत एंजॉय करता है, हां जी. और उसको देख के अंदर से आ रहा होता है, वो अंदर से आ रहा होता है. तो अगर आप डांस या कोई भी चीज अंदर से करते हैं और खुद एंजॉय कर रहे हैं, तो सामने वाला एंजॉय जरूर करेगा. क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे
देखो किसी को डांस आता है और किसी को ना नहीं आता, वो बीच की चीज इसमें हो ही नहीं सकती। आप पकड़ लेते हैं कि भाई इसको तो रिदम ही नहीं है, म्यूजिक कहीं जा रही है, चुटकियां कहीं जा रही है, है ना। इंसान खुद इंजॉय करे, दूसरा भी इंजॉय करे। बड़े बड़े ऐसे मैंने देखे हैं जो इतने कोई बीट ना पकड़ने के बावजूद बड़ा गंदा और भद्दा डांस कर रहे होते, लेकिन उनको लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं और दूसरे देखने वाले बेचारे अंदर ही अंदर से रो रहे होते हैं, खुदा का वास्ता इसको तो बिठा दो, ये क्या हो रहा है। अच्छा, खास तौर पे जब मेडले तैयार हो रहा होता है ना घर में, शादी वगैरह में, तो क्या होता है, आप साथ यंगस्टर्स तो कर रहे होते हैं लेकिन कोई एक फूफी एक खाला भी होती है, उनका अंदर से दिल होता है कि मुझे भी मेडले में शामिल किया जाए, और फिर वो अपने पुराने जमाने का निकाल लेती है डांस और वो पूरा मेडले एक बीट जारी होती है। अच्छा ऐसा नहीं, वो मैं फील करता हूँ कि वो इंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स बड़ी मैटर करती हैं, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन तो है नहीं, तो ये चीजें भी अच्छी लग रही होती है। पता क्या, मैं ये कहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं किया ना भाई, वो जब यंग थी तो कोई शादी नहीं हुई, अब उनके भांजे भतीजों की शादियां होना शुरू हुई हैं, तो उनको आखिरी वाले होती है ना वो, हाँ तो ये चीज होती है। उस वक्त यंगस्टर्स तपरे होते हैं कि क्या यार फुप्पो आ गई हैं, क्या यार खाला आ गई हैं, लेकिन वो उनकी अपनी खुशी होती है। आप बिल्कुल सही समझे। तो जोरे आप तैयार हैं, अब हिम्मत बन चुकी है दो लोगों को देखने के बाद, अब तो बन गई है, अब तो बन गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं जोरे का परफॉर्मेंस पहली दफा ऑन स्क्रीन, और ऑफ स्क्रीन भी ये नहीं करती किसी के सामने, पहली दफा हमारे कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने यहाँ तैयारी की है। आइए देखते हैं कैसी है। ओके या अब मेरी टेबल ही उठा दी क्या, यहाँ तक आएगी जोरे? हाँ यहाँ तक आएगी, हम खड़े होके परफॉर्मेंस देखेंगे। अरे वहाँ तक, तो फिर मैं उधर बैठ जाऊँ? चलें सही है, फिर मैं उधर ही बैठ जाती हूँ। ओके वाह वाह जोरे, ऐसी क्या परफॉर्मेंस है कि ये दो पूरा कैप्चर करेंगे यहाँ। ओए होए ग्लासेस उठाओ भाई, घुंघरू टूट गए। हाँ जी, तो यहाँ तैयारी हो रही है, प्रॉप्स की तैयारी हो गई है, चारपाई किधर रखनी है, रखे हैं आप जल्दी जल्दी? भाई हम प्रॉप्स रखने का मार्जिन दे रहे हैं क्योंकि इट्स ए लाइव शो, आप अवार्ड शो में देखते हैं कि वहाँ तो ये है कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो वहाँ प्रॉप्स ऐसे आराम से आ जाते हैं। आपने सबसे पहले कहाँ परफॉर्म किया था नुमान? मैंने एक चैनल था उसकी एक ड्रामे की लॉन्चिंग सेरेमनी थी, उसमें किया था सबसे पहले, उमाइमा के साथ किया था। ओ उमाइमा भी बहुत अच्छा डांस, बहुत अच्छा डांस करती है। बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने करना अब किसी और के साथ था, अच्छा उनकी आपस में लड़ाई हो गई, ओए और मैं शूट पे था, और मैं शूट पे था तो मुझे अब उनकी थी लास्ट रिहर्सल उसी दिन थी, अगले दिन जो है शो था, तो वहीं से शूट से मुझे लेके गए हैं और वहाँ पर मैंने उसी दिन रिहर्सल की है आधा घंटा, और नेक्स्ट डे बस लाइव में खड़ा हो गया परफॉर्म। लेकिन उनको पता तो होगा ना आप कर ले तो तभी। हाँ। बेसिकली वो ड्रामा जो चल रहा था ना उसमें शादी सीक्वेंस थे, उसमें इमरान अब्बास थे, दानिश तैमूर थे, तो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे चंद दिनों से, तो उन्होंने देखा हुआ था कि मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। माइक उठाओ बोलती है लड़की, आदत है ना वो दूसरे माइक की। हाँ। पहले तक ये हुआ, आज से 10-11 साल पहले ये होता था कि किसी ड्रामे में भी डांस नहीं दिखाते थे, इवन गाने तक नहीं चलते थे, अगर कोई शादियां दिखानी होती थी इवेंट्स तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बस हो जाता था थोड़ा, और डांस वांस नहीं। तो ये डॉली की आएगी बारात से ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि सब डांस परफॉर्मेंसेस शुरू हुई थी। तो मुझे नदीम बेग ने जब कहा ना कि नताशा इसमें 3-4 गाने भी हैं तो वो तुमने परफॉर्म करने, मैंने कहा हाँ नहीं नहीं पागल हो गए हो क्या, ऑन स्क्रीन ड्रामे में डांस करूंगी मैं, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या बकवास होगी और ये होना, लेकिन हमने वहां से उसने कहा कुछ नहीं होगा, हम लोग ही शुरू करेंगे तो कुछ बेहतर हो सकता है। शादियों में नहीं लड़कियां बच्चियां सब डांस कर रही होती है अपने अपने कजन्स की, तो ये भी एक फैमिली ओरिएंटेड एक सीरियल है, इसमें सब आपस में तुम लोग कजन्स वजन ही और दोस्त दिखाए हुए, तुम लोग लड़के और लड़कियां सब डांस करें। वहां पहली दफा मैंने डांस किया था डॉली की आएगी बारात में, और फिर उसके बाद आपके आपके शो और ARY के और बहुत सारे शो किए डांस, और अब यहाँ ऐसे ही जोहरे पहली दफा परफॉर्म करिए, और अभी आपको ड्रामे में भी नजर आएंगी लोगों को, क्या पता फिल्म में भी, यू नेवर नो। तो भाई आप लोग रेडी हैं? सारे प्रॉप्स रेडी हैं? Ready, get set, and music. Aate aate thehar gaya hoga. Kya baat hai, kya baat hai? Koi dil se utar gaya hoga. Aye, aye.
एक बात कहूंगा, हाँ। बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही कमाल, बहुत। और सारे जितने भी तुम्हारे साथ थे जो डांस कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी। इस तरह का होना चाहिए ना, मतलब प्रॉप्स को यूज करके। ये देखिए, हम आपको आइडियाज भी दे रहे हैं, आप अभी अगर मेहंदियां वगैरह हो रही है तो ये देखिए, आपको हमारे शो से आइडियाज भी मिलेंगे कि वो किस तरह चारपाई का इस्तेमाल। और सबसे अच्छी बात, हम पाकिस्तानी गाने इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी गाने भी जो है वो मेहंदियों की, जो आपकी वो क्या कहते हैं, मेहंदियों की खूबसूरती की जान बन सकती है, मेहंदियों में रौनक पैदा कर सकती है। तो वो ये हमारे गाने भी बहुत अच्छे हैं और हमें यहाँ मौका मिल रहा है उन गानों को दिखाने का। और यही जो लड़कियों ने प्रैक्टिस करनी होती है, माइक बोल जाती है, लड़की ने जो प्रैक्टिस करनी होती है और वो कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं ये वो, तो यही गाने वो यूट्यूब पे देख कर भी सेम कॉपी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। इतनों ने सुने भी नहीं होंगे, शो के जरिए गाने सुन रहे होंगे लोग, हाँ। और आइडिया कर रहे होंगे। वही ना, मैं भी जब लाइक डांस प्रैक्टिसेस आप लोग की हो रही थी तो मैं भी सुन रही थी, मैं कहती यार कितने प्यारे गाने, पाकिस्तानी गाने बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे। और अभी इंशाल्लाह जब सिनेमा खुलेंगे, एक साथ दर्जनों फिल्में तैयार पड़ी हैं, तो आपको वो फिल्में देखने का मौका मिलेगा, एक के बाद एक फिल्म आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। वरना हम ईद का इंतजार करते थे कि ईद पे कोई फिल्म आएगी, जी हुमायूं लेकर आएंगे, यासिर लेके आएंगे, नबील लेकर आएंगे, तो वो अब आप माशाल्लाह बहुत सारी फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं, बस अल्लाह ताला ये वैक्सीन कामयाब हो जाए और हम नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। छोटे सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अब ये हंगामा जारी रहेगा, तो लड़के वाले हो या लड़की वाले हो,
रहना अपने सामने है मेरे निदा के सामने. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इतनी दफ़ा तो मैं यकीन माने मैं तो परेशान होती हूँ कि रमज़ान में हमारा इरादा हो रहा है कि हम रात में शो करेंगे, तो मुझे तो आदत है, मुझे आदत है गुड मॉर्निंग कहने की, तो मैं तो ये मतलब कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ. कितनी दफ़ा बोलती हूँ गुड नाइट, गुड इवनिंग. हाँ वही तो कह रही हूँ कि मुझे तो इतनी आदत कोई डेवलप हो चुकी है गुड मॉर्निंग करने की. तो नाजरीन आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरपूर शो. वैसे वो कहते हैं ना लोगों को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. तो मुझे बहुत सारी लोग इंस्टा पे भी कहते हैं निदा कुछ तो पढ़े लिखे शो कर लिया करो, न्यूज़ देख लो ना बहन. और क्या इसके टाइम में लोगों को डिप्रेशन हो रहा है कोविड की वजह से, और लोग बेचारे डिप्रेशन में चले गए, उनको एंटरटेन करने की माइक. इतनी सारी बातें तुम्हारी रायगा से मुझे कॉर्डलेस भिजवा दे क्योंकि अब बहुत ज्यादा वो होना शुरू हो गया. क्योंकि जो है ना वो मुझे पता है कि लोगों को किस तरह सुबह सुबह किस तरह उनकी टेंशन को रिलीज करना है, पूरा दिन अच्छा गुजरे. हाँ तो इसलिए ना प्लीज एंटरटेन होने देना लोगों को. मुझे दो चार मुझे मैसेजेस भेजते हैं निदा वैसे शो कर लो ऐसे शो कर लो, वो भी करूंगी. फिर रेटिंग आनी चाहिए लेकिन अभी इसकी दे दें उस टाइम बाद में उसकी दे दें. तो आप जो है नुमान तैयार हैं अपनी डांस परफॉर्मेंसेस आपके साथ शेयर करने के लिए, बड़ी मेहनत से इन सब ने रिहर्सल की है. तो आइए मैं आपकी और एंटरटेनमेंट के बीच में बिल्कुल खलल नहीं डालती, मैं भी जा रही हूँ ऑडियंस बनने के लिए. और अब आपके सामने होंगे नुमान विद हमारी प्यारी सी गर्ल्स और इतनी मज़ेदार फिल्म हमारी जवानी फिर नहीं आनी का गाना. Ready? Get set. Music. Disco diva. Disco diva. Disco diva. परफॉर्मेंस एक वो होता है ना चेहरे पे नजर आती है कि नुमान को मजा आ रहा है और एक्सप्रेशंस कितना काउंट करते हैं. मैंने बहुत सारे अक्सर जो है हम लोग अक्सर इंस्टा पे देखते हैं वीडियोस ना, तो लड़कियां बेचारी डांस कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं स्टेप ये वो, लेकिन आंखें नीचे, लेकिन आंखें नीचे और मुंह पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते. और आपको पता है मैं एक्सप्रेशन देने के चक्कर में अक्सर स्टेप भूल जाती हूं. तो अगर एक्सप्रेशंस नहीं डाउन होना चाहिए. और बाकी नताशा अगर आप स्टेप भूल गए और आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन है पकड़ ही नहीं पाता कोई. बिल्कुल अच्छा एक चीज ये भी है, बहुत अच्छा लोग डांस करते हैं लेकिन उनकी बॉडी पे जचता नहीं है. हाँ और कुछ लोग नॉर्मल सा भी कर ले खड़े ही हो जाए कपड़े पहन के उनको बहुत जबरदस्त लगता है. बहुत अच्छा किया. तो नुमान मुझे बताए लड़कों को अगर परफॉर्मेंस करनी है लाइक मतलब अपने खानदान में शादी वादी तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए?
अच्छा एज अ एक्टर मुझे एक चीज का फायदा है कि मुझे गाने का ना थीम पता होता है कि नॉटी था तो नॉटीपन दिखना चाहिए. अगर आपका नॉर्मल है रोमांटिक तो आप रोमांटिक दिखने चाहिए. और अगर एंग्री वाला कोई डांस है तो वो दिखना. पाकिस्तानी पुरानी फिल्म देख लीजिए. एक्सप्रेशंस के बगैर डांस मेरे ख्याल में आपका 50% होता है. एक्सप्रेशंस नहीं क्योंकि डांस अगर आगे पीछे हो भी जाए एक्सप्रेशन 100 मार्क्स दे देता है. ये तो है, ये तो है. तो नेक्स्ट तैयारी जो है पकड़ लें नताशा की है. परफॉर्मेंस की बारी. सबसे अच्छी बात ये नताशा कि मैं ये नोट करी तुमने जो गाने चूज किए हैं वो ही वाले हैं जिसमें तुम्हें उबूर हासिल है मुझे लगता है. जैसे डॉली की आएगी बारात में जिसमें एक्सप्रेशंस का गेम है, आपकी अदा है. क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मैंने देखा पीटी डांस करती हैं है ना. लेकिन पीटी डांस भी है. पीटी डांस होता जैसे वो आप वो वाला गाना देखिए वो माधुरी दीक्षित का था टम्मा टम्मा वाला ना. उसमें अगर कोई पीटी डांस वाली लड़की होती तो वो उसको वाट लगा देती उस गाने को. लेकिन वो पीटी डांस भी संजय दत्त और माधुरी ने ऐसा किया था. मैं माधुरी के उस टाइम पे वो भी डांस करती थी. माधुरी गानों पे ही डांस करती थी बचपन से ना. कमरा बंद करके उसके हर गाने पे मैं डांस कर सकती. माधुरी जी बहुत अच्छी डांसर है. साथ वाले को भी जो बैलेंस करना था इसलिए ऐसे डांस किया गया. संजय दत्त का एक अपना स्टाइल है डांस करने का. उनके अंदर वो लचक जो बात जैसे आप सलमान खान को भी देखे तो सलमान खान भी लचक वाला डांस ही कर सकते. भी एक अपने स्टाइल उनके हिसाब से डांस बनाना पड़ता. सख्त इंसान है वो. सख्त हो कैसे से ना. अच्छा ये अब थोड़े हो गए. जब उनकी पुरानी फिल्में देखो तो काफी उस पे ठीक होते थे. अब वो बिल्कुल बॉडी ज्यादा बना ली है. बहुत तकड़े हुए होते हैं. वो बॉडी ज्यादा बना ली है ना तो उसके भी होता है. बॉडी बिल्डिंग के भी ऊपर होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. ऋतिक रोशन ने भी तो बॉडी बनाई थी. ये सिर्फ साइड की बातें मतलब आपको नहीं आता. और आई थिंक कि आपकी पर्सनैलिटी का भी एक एलिमेंट आ रहा होता है आपके डांस में. तो फॉर एग्जांपल सलमान खान इफ आई गो बैक देन तो जब दबंग ये सब आ रही थी उस वक्त आई थिंक ही वाज वेरी इन अ मूड टू हैव फन एंड रिवाइव दैट एलिमेंट. तो इस वजह से आई थिंक दबंग के स्टेप्स कितने हिट हुए थे कि वो वाला जिस तरह उनका अपना एलिमेंट आ गया ना उसमें. ये सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कोरियोग्राफर की होती है. जो अगर आप शादियों में भी जब आप डांस करा रहे होते जिस भी पर्सनैलिटी को कोरियोग्राफर को ये चीज देखनी चाहिए कि भाई अगर मैं इस आदमी को डांस करा रहा हूँ ये इसका ये ही सूट करता है. इसका ये लिमिटेशन है. इससे आगे नहीं है ना. बिल्कुल ये अकलमंदी. जैसे हमें अक्सर जो है कोरियोग्राफी करवा रहे होते हैं हम कहते हैं भाई ये स्टेप हमसे नहीं होगा ये हटा दीजिए बिना वजह स्क्रीन में बुरा लगेगा. ये हमारे साथ ही होता है. तैयार किया होता गाना हम अदा के चेंज करवा देते भाई ये ना करो प्लीज ये ना करो यार. आपका अपना कंफर्ट भी जरूरी है ना कि आप वो कर पाओगे भी या नहीं. तो जी आइए स्क्रीन पे हमें क्या नजर आने वाला है जो नताशा लेकर आई है आपके लिए. जरा तो रेडी हो जाए तो हम म्यूजिक रेडी हैं आप लोग. रेडी गेट सेट एंड म्यूजिक. चाहतों की डोरी बंधी है नाजों पली है मेरी.
क्या बात है नताशा, क्या एक्सप्रेशन ले डाले भाई, एक्सप्रेशंस डांस के साथ जबरदस्त हो रहा है, मजेदार मजेदार। थैंक यू। अच्छा हाँ, मैं करीब आ रही हूँ, जरा एक मिनट, दूर बैठ के मजा नहीं आता मुझे बात करने में, करीब आके गेस्ट से जो बात करने में मजा आता है ना, उसका उसकी बात ही और होती है। अच्छा, कोई आप लोगों के साथ कोई कभी किस्सा कजन्स का कोई ऐसा हुआ हो कि घर की शादी हो, कोई डांस करते हुए गिर गए हो, या कोई ऐसा आग लग गई हो, कभी ऐसा भी हुआ है कभी कोई ऐसी चीज? अक्सर लड़कियों के साथ ये इशू होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, अब जिस दिन मेहंदी है उस दिन अगर उनके डांस से वो सूट नहीं जा रहा ना, तो उन्होंने परफॉर्मेंस कैंसिल कर देनी है। अरे ये तो। और मेरी दो तीन कजन ऐसी हैं, उनका कुछ इस टाइप का इष्ट नहीं था, लेकिन जो जिसको उन्होंने डिजाइनर का ऑर्डर दिया उसने ऐसा नहीं सिया, उसका घेर कम रखा, तो कह लेगी नहीं भाई मैं तो घूम ही नहीं सकती, तो मैं तो डांस ही नहीं करूंगी। और मैंने बात ये है कि जब प्रैक्टिस हो रही होती है तो या तो हम लोग ट्राउजर शर्ट में होते हैं, शलवार कमीज में होते हैं, जब प्रैक्टिस हो रही होती है बिल्कुल, उस वक्त हमारी टांगे और बाजू की मूवमेंट बड़ी ईजी होती है। जब हम शादी के लिए तैयार होते हैं तो लहंगे और ये वो, तो सारी मूवमेंट्स करते हुए, डांस करते हुए सारी मूवमेंट्स गायब हो जाती है। हाँ, ये वो जैसे बता रहे ना नुमान कि उसकी शादी पे जो बेगम को गोद में उठाया तो कमर में चुकी पड़ गई, 25-30 किलो का तो लहंगा होगा, लहंगे की स्टेप था, इसलिए उठा के घूमना था। ओ ये फिर घुमा थोड़ा सा और जो बीट निकल गई। ये तो है। एक और चीज जैसे लाइक ज्वेलरी का भी ख्याल करना पड़ता है, खासतौर पे जब लड़कियां मेडले की तैयारी करती हैं, वो टीके जो हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं, वो इतने खराब आते हैं, वो इस तो वो उसके लिए तो आई थिंक वो हम लोग ग्लू लगा के चिपका लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये वाला तरीका कि टीका अगर लगाया और डांस परफॉर्मेंस देनी है तो उसको ग्लू के साथ हम चिपका सकते हैं, तो वो फिर फिक्स रहता है, लैशेस ग्लू, सॉरी मैं साफ क्लियर कर दूं, चीजें चिपकाने वाली एल्फी से ना लगा लेना बहन, नहीं वो आईलैशेस ग्लू, कल किसी ने और मशवरा दिया था कि च्युइंगम है ना, च्युइंगम को चबा के भी आप लगा सकते हैं। नहीं, आईलैशेस ग्लू लगा के ना नीचे, पता है कभी कभार टीके गहरे भी होते हैं ना ऐसे, और गम से नहीं चिपकते, फिर गहरे भी लगा सकते हैं, मास्किंग टेप या कोई टेप लेके आप लगा लें, वो जो डबल टेप होता है, डबल टेप उससे भी गुजारा हो गया, वो थोड़ा मोटा, शादी भारी ना पड़ जाए किसी को। लेकिन ये जो बबल का जिसने भी आइडिया दिया है वो तो ठीक है ना, लाइक एकदम से कोई चीज नहीं है तो आप बबल तो अपने मुंह से गंदा और अगर अपने ना किसी से और अगले दिन वही बदाना निकला हो गंदा ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ अच्छा, डांस कर करके प्रैक्टिसेस में कभी इतना पसीना आ गया ना, एंड मेहंदी या शादी के मौके के दिन दाना निकल आता, बिल्कुल ऐसे होता है, प्रैक्टिसेस कर करके पोर खुल जाते हैं और वो एंड मौके पर। तो उसका हेल्प भी बताएं ना, बिंदिया का तो बताया, उसका भी हेल्प बताएं, देखना उसका कोई मेकअप की प्रैक्टिस का दाना निकले तो थूक लगाएं, नाश्ते साइड पे रखते हैं, मुझे किसी ने बताया था, मैंने कभी जिंदगी में लगाई। जब आप सुबह सोके उठते हैं वो निहारने वाली थूक, उसमें कोई बैक्टीरिया होता है जो आपके दाने को दबाता है, बिल्कुल सही कह रही है, टोटका सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आप डांस प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं ना, उसमें आप अपना पास गुलाब का पानी या ठंडा पानी की जो वो बॉटल है स्प्रे गन वो रखे, उससे आपके पोर्स नहीं खुलेंगे, आप हर प्रैक्टिस के बाद डाले, और फिर इन दी एंड आपने मुंह धो के टोनर लगाना है तो फिर नहीं दाने आएंगे, लड़के तो नहीं करते ना ये चीजें, नहीं लड़कियों को मैंने अक्सर देखा, पानी बहुत कर रही होती है, पानी अच्छा लगे इसलिए कर रही होती है, वो ताकि स्किन फ्रेश रहे ना। हाँ वही ना, उस दिन हम कौन था हमारे, कौन आया था, नवेद आया था, कौन आया था कह रहा था, पता नहीं मुझे कौन कह रहा था कि लड़कियां जो हैं वो मुंह तब धोती हैं जब उन्होंने लाइक शादी वादी खत्म हो गई, पूरा इवेंट खत्म हो गया, और लड़के मुंह धोते हैं जब जब उनको बाहर जाना होता है। हाँ। लड़कियां तब मुंह धोती हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा। कोई किसी ने, मैंने कहा वाह यार इट्स फनी। अच्छा जी, क्योंकि ज्यादा मुंह धोने की जरूरत नहीं ना पड़ती, मसला ही प्यारी बड़ी होती है, प्यारी प्यारी होती है। नहीं मेकअप उतारने की बात ना, भी होता है ना मेकअप में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर इनकी एक एक परफॉर्मेंसेस और है, नताशा ने तो दिखा दी अपनी दूसरी परफॉर्मेंस, अब नुमान जोहरे और बिलाल ये तीनों क्या लेकर आने वाले हैं आपके लिए, आइए ब्रेक के बाद देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ये खूबसूरत सी शहनी का सेट एम्बियंस हमने क्रिएट किया हुआ है ताकि आपको याद दिला सके कि कोरोना से पहले जो शादियां होती थी उसमें वो क्या समा होता था जब सारे ख़ानदान वाले एक साथ बैठते थे और फिर उसके बाद ज़रा डांस एक्सपर्ट कज़न को खड़ा कर देते थे जी मैदान में कि आओ भाई जीत लो लोगों का दिल। तो गाने ये सब चीज़ें एक साइड पे हो जाती थी और जो कज़न्स बेस्ट परफॉर्मर होते थे वो होते थे सबके दिलों के राजा और रानी। तो यहाँ भी यही होने वाला है, वो परफॉर्मर्स जिनको आप ड्रामे और फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं भाई उनके अंदर ये टैलेंट छुपा हुआ है जो यहाँ आज थोड़ा थोड़ा वो ज़रा सा अपना टैलेंट से आपको वाकिफ करवा रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, आप बारी है बिलाल की, आ जाइए भाई, हम खुद ही ये करेंगे। हाँ जी, तो जब हमारे मेहमान जो हैं वो तैयार हो जाएं तो हम कह सकते हैं रेडी गेट सेट म्यूजिक। बात है भाई, जबरदस्त। हाँ जी, शकरबंदा गाना कितना प्यार रा गाना था, एक वो हमारे पाकिस्तान को एक नेचर स्टेप भी बड़े मजे। ओहो, ये कैसे है, ये दिखा बताओ जरा हमें। नहीं, ये फिर ये फिर ये और ये स्टेप कमाल है। आवाज इसलिए नहीं निकल रही, परफॉर्म किया ना। हाँ, सांस चढ़ जाती है। अच्छा, कौन सी तीन बातें हैं जो अपने कजन्स या बहन भाइयों की इमीडिएट फैमिली की शादी से पहले याद रखनी चाहिए कि हमें ये करना है, क्या लगता है आप लोग, क्या टिप्स देंगे शादी में क्या करना है? हाँ, मतलब उस शादी से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, देखिए पहले तो कपड़े, हाँ। उसके बाद वेट पे आ जाते हैं कि वेट कम करें, क्योंकि कपड़े जितने भी अच्छे पहन लें अगर वेट आपका ज्यादा अच्छा है, लड़की और लड़का अच्छे नहीं लगते। अच्छा, वैसे वेट कम हो जाता है प्रैक्टिस में, जब ढोलकियों में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लगातार करते रहो। हाँ। लेकिन कुछ लोगों का नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस खत्म, अब खाना
निहारी बनी हुई है, अम्मी ने निहारी बनी, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलो ये कालो वो कालो। मैं और ज्यादा भूख लगती है, मेरी एक राय है लोगों के लिए, अक्सर लोग जो है ना काफी दिनों पहले स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ इवेंट आ रहा है, ये होगा ये नहीं होगा, इस वक्त को उस वक्त को इंजॉय करें, क्योंकि ये खूबसूरत वक्त है। हम जो है ना इतनी तैयारी करते हैं और शादी कहते हैं वो गुजर जाए निकल जाए, वो फिर मजा नहीं आता, आप उसको एंजॉय करें क्योंकि वो जिंदगी के बड़े खूबसूरत पल हैं जो बाद में। शादी के पहले वाले जो इवेंट्स होते हैं ना मुझे वो अच्छे लगते हैं। हाँ, इतनी तैयारी पकड़ते हैं और ये एकदम खत्म हो जाते हैं, म्यूजिक नाइट्स, ढोल, मुझे अच्छा लगता है। तैयारी कर ले, एंड टाइम पे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हाँ यार, वो तो हर दफा रह जाता है, कुछ इवेंट में एक दिन का गैप होना चाहिए। सबसे शेड्यूल बहुत सीरियसली, ये बहुत अच्छी बात की है, हर इवेंट में एक दिन का गैप होना चाहिए, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है और बेचारे दूल्हा दुल्हन तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। और वाकई मतलब लाइक जो घर वाले वो ये सोचते हैं कि कोई अमेरिका से आई हुई है फैमिली, कोई लाहौर से आई हुई है, तो सबको जो है वो जाना भी है वापस, इसलिए वो एक दिन बाद इवेंट रख लेते हैं कि जो मेहमान आए उनको ज्यादा दिन ना देने पड़े, है ना। लेकिन एंजॉय नहीं कर पाता बंदा, और बीच में जो गैप्स आते हैं तो उसमें फिर शॉपिंग पे निकल जाते हैं, चल जो अमेरिका से आए हुए शॉपिंग पे चले जाओ, तो ये इसलिए हो जाता है। तुम भी तो बातें करो, तुम क्यों चुप हो? मैं बस ये सोच रही थी, सोच रही है सेकंड परफॉर्मेंस, ये वो अपने दिमाग में स्टेप्स याद कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बेसिकली आप लोग सब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं सुन रही थी, मैंने कहा क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है तो बहुत जल्दी में हुई थी, तो उस वक्त यही था कि यार काश सुकून से करते, क्योंकि मेरी मामा को था कि बस अभी करो, फौरन करो करो करो, मैंने कहा क्या हो गया, मैं भाग रही हूँ, लड़का भाग रहा है, भाग कौन रहा है, बट शी वाज लाइक कि नहीं कर लो, एंड आई ऑलवेज ओबे हर, शी वेंट ऑल इमोशनल कि अगर मैं नहीं रही तो बहुत जल्दबाजी में हुई ना। सही, तो जिसकी वजह से हम दोनों यही सोच रहे थे कि यार काश हम लोगों ने स्लोली और ठहर के आराम से सॉर्ट आउट करके चीज़ें की होता तो बहुत और अच्छा होता। तो निदा हम दोनों की आप बस यही ना, मेहंदी मेरी भी मेहंदी नहीं हुई, मेरा एक ही दिन का शादी का इवेंट था। एक और चीज भी है, अगर हम अगर इस शो के जरिए चीज क्रिएट करते हैं, जब ये इवेंट्स हो जाते हैं उसके बाद चंद अरसे बाद एक दिन घर के ऊपर जो है मेहंदी खुद ही रखें अपनी फैमिली के साथ बैठ, वो हो चुकी है लेकिन उस खुशियों को जो वहाँ मिस कर चुके हैं वहाँ पर एंजॉय करें, इसलिए आइडिया अच्छा है वैसे, एक मजे दोबारा एंजॉय कर सके जो वहाँ मिस कर चुके हैं। वो जो मेन चीज होती है ना वो निकल गई होती है उस वक्त, उस वक्त का जो मजा हो, उस वक्त में जो मजा आ रहा होता है। रिसेप्शन पे बहुत सारे वो हो जाते हैं कि भाई शादी मेन हो गई या वलीमा, अब तो कोई इतना बोल नहीं, ये हमारे दिमाग का खेल है, अगर हम एक कैरेक्टर करते हैं 25 बार भी वही कैरेक्टर कर रहे होते हैं, ये सिर्फ दिमाग का खेल। अच्छा नहीं, एक चीज ये भी, सब एक्टर्स तो नहीं है ना, नहीं वही कह रहा हूं, दिमाग की कंट्रोल की बात, माइंड है ना वो हर कोई। अच्छा पता है क्या, जो दूल्हा दुल्हन का ये सोच रहा होता है, खासतौर पे दूल्हा का, अब तो दुल्हन आ गई ना, अब क्या करना, उस वक्त तो ये तैयारियों की खुशी होती है, दुल्हन आने वाली है घर में, हाँ जी बेटी की शादी होने वाली है, अब तो शादी हो गई ना, और मानी भी तो शादी से पहले ही जाती है ना, चाहे उसके बाद दूल्हा दुल्हन को ये चाहिए होता है कि भाई ये सारे मेहमान अपने अपने घर जाएं, हमें आपस में टाइम मिल जाए, तो वो सोच ही बदल जाती है, इसलिए मेहंदी तक नौबत नहीं जाती। ये चंद दिनों बाद की बात कर रहा हूँ, 2 महीने बाद, 3 महीने, जैसे आप कह रहे हैं आइडिया ये अच्छा है, जैसे जो दावतें देते हैं ना, दावतों के बजाय इस तरह क्रिएट कर ले खानदान की ढोलकी। मुझे तो पूछा गया था 2-3 महीने के बाद कि इवेंट कर लेते हैं मेरे ससुराल की तरफ से भी और अम्मी की तरफ करना वो है, अम्मी की तरफ से भी, लेकिन मैंने उस वक्त खुद ही बोल दिया, मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं कर रहा, ठीक है बस हो गई ना, अब क्या करें, पुरानी हो गई है शायद। मैं काफी देर से ये एंगल देख रहा हूँ, नताशा ने मैचिंग का जो है ना माइक रखा हुआ है फुल, ये थैंक यू जोरे, तुम तैयार हो? जी बिल्कुल, तुम रेडी हो? बिल्कुल, आ जाओ फिर मैदान में, आ जाओ, ओ छुपी रुस्तम, हाँ छुपी रुस्तम, एकदम खामोशी हो जाती है ना जब पूरी तैयारी हो रही होती है। हाँ जी लड़को, तुम लोगों ने शर्टें कहाँ से लेकर आए हो, वो फुल पूरी फुलवारी शर्ट भाई सेट से मैच, मुझे लग रहा है पैनाफ्लेक्स पहन के आ गए हैं। ओके जी रेडी हैं आप लोग, सेट से मैचिंग है ना इसलिए बोल रही हूँ, तो जी रेडी म्यूजिक।
सुन का पहला बना पर चक टक ले जाओ अड़ियाला। एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना। लड़कों तुम लोग दिल के बजाय टीवी ले आए, ये होता है शादियों में। पता है हमें क्या नाम, मैं दिखा दूं ना really? दिखाओ जरा दिल और क्या। ये जो हमारा भंड हुआ है ये मैं छुपाऊंगी नहीं, इसलिए आपकी शादियों में भी होता होगा, आपके घर में भी होता होगा। वो जो दिल था हमने, हाँ चलिए आप करके दिखाएं क्या था दिल में। यार ये स्टेप रिपीट करें क्या मजा आएगा। हाँ रिपीट करें स्टेप, ओके हम थोड़ा सा कर दो ना, हमारा दिल तक कर दो ना भैया, कभी हो जाता है शादियों में। हाँ बीच से शुरू कर दो, लाओ दिल सही से रखो लड़कों, पैनाफ्लिक्स वाले लड़कों। और क्या, दिल वाला जो था वो टीवी ले आया उठा के, दिल आना था, ये भंड हो गया। और जब अवार्ड शोज होते हैं और कभी ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दोबारा री रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये लाइव शो है हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रात के रिपीट में ये लगेगा। ओके रेडी गेट सेट म्यूजिक। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ये सूट बूट में कौन आया है देखिए ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जो आपको इतनी अच्छी आवाज हमारे सेट पे आ रही है, तो वही आवाज मैं चाहती हूँ आपके घरों में भी आए। और कैसे,
देखिए ना, कोविड की वजह से हर चीज़ बंद हो गई है. अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तो खुल रही हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, जिम्स हो गए, लेकिन एक चीज़ ऐसी जो अभी तक नहीं खुली और वो है सिनेमाज. यही तो होता था फन, एंटरटेनमेंट क्या थी हमारे पास, यही थी थोड़ा रेस्टोरेंट चले गए एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कभी फिल्म देखने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ चले गए और उस फिल्म को हम सिर्फ सिनेमा पे देख के इंजॉय नहीं करते थे, बल्कि वो जो उसकी साउंड, उसकी म्यूज़िक, उसके डायलॉग्स, जो हमें थिएटर में वो साउंड सिस्टम था उसकी वजह से हमें बहुत मज़ा आता था वही चीज़ थिएटर में देखने पर जो हम टी वी में देखते हैं, और वो उस तरह हम इंजॉय नहीं कर पाते. मगर इसका हल निकाल चुके हैं अब आईटिल. आईटिल हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं. फ़ोन से शुरुआत की, उसके बाद फिर बेस्ट एक्सेसरीज और अब स्पीकर्स. मतलब कि आईटिल तो रुक ही नहीं रहा. हाँ, सबसे पहले जब स्क्रीन पे मूवी देखते थे तो हमें उसकी साउंड जो है वो उतनी मज़े की नहीं लगती थी ना. मतलब कि जैसे हम ड्रामे देख रहे हैं या वही फिल्म जो थिएटर में देखते हैं वहाँ तो बहुत मज़ा आता था, मगर अगर उसी फिल्म को उठा के आप टीवी पे देख लेते थे, डीवीडी पे, तो वो वाली बात नहीं आती थी और इसलिए लोग सिनेमा जाते थे. लेकिन अब हमें ये साउंड घर में भी मिल सकती है थिएटर के ज़रिए. थिएटर, ये वाला थिएटर जो ये स्पीकर्स हैं, इसका नाम थिएटर है और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसकी साउंड क्वालिटी बेहतरीन है. ये छोटे से पैक में बड़ा धमाका है जिसके ज़रिए आपको क्लियर और बेहतरीन आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा. थिएटर का डिज़ाइन जो है वो बहुत स्लीक और कॉम्पैक्ट है. आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे वो आपकी कंप्यूटर टेबल हो या आपका टीवी लाउंज हो. कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ साथ ये एक एलिगेंट डिज़ाइन भी है जो आपके टीवी लाउंज का बेहतरीन हिस्सा बन सकता है. अच्छा, थिएटर को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है. इसको आप लाइन इन, ऑक्स और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब आप इसे किसी भी मीडिया डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, MP3 हो या फिर आपका अपना सेल फोन हो. अच्छा, अब अगर आपके हाथ में किसी भी वजह से ये डिवाइसेस नहीं हैं, तभी भी आपकी थिएटर एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होगी. आप फ़ोन को आराम से चार्ज पे लगाएं और वायरलेस FM आराम से इंजॉय कर सकते हैं. अच्छा, वैसे देखिए ना, रमज़ान का महीना करीब आ रहा है और लोग अपने घरों पर तरावी पढ़ते हैं और नात खुवानी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, नाते सुनते हैं, उसके लिए भी थिएटर का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी क्वालिटीज़ निदा ने बता दी तो ये यकीनन बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन थिएटर बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको मिल सकता है. 9,999 रुपये का ये थिएटर आपके पास मौजूद होगा. तो जी, जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए और हासिल कीजिए आईटिल का थिएटर. हाँ जी, मैं भी बिल्कुल जल्दी करूँगी, बिल्कुल देर नहीं करूँगी और मैं अब आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, आपकी खिदमत में पेश खिदमत है हमारे बहुत ही फाइन एक्टर नुमान हबीब की डांस परफॉर्मेंस विद ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो क्या आप लोग रेडी हैं नाजरीन और हाजरीन? देखें, शाजिया के लिए भी तालियां किए हैं और पता है बहुत अमल दखल होता है खास तौर पे शादी पे या किसी भी डांस परफॉर्मेंस में आपकी वार्डरोब का. अच्छा, ये मेरी अकेले की परफॉर्मेंस नहीं, मेरे साथ शाजिया भी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं. हाँ जी, ओहो, शाजिया के लिए तालियां, शाजिया के लिए तालियां. शाजिया हमारी क्योरियोग्राफर है. शाजिया बहुत अच्छी क्योरियोग्राफर है. राजू तो है ही, उसके साथ पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन शाजिया बहुत कंफर्टेबल माहौल में ना, दोस्ती के लेवल पे आपको जब काम कराती है ना तो फिर बहुत. आप देखते हैं खुद कैसा डांस करती है. हाँ, और ये भी बता दूं, ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई ना, ये शाजिया से लेके पहनी है. हाँ, मैंने कहा यार तुम्हारा लहंगा होगा तुम दे दो ताकि पैरों में ना आए ना, तो इसने यार अपना ये लहंगा मुझे दिया. यार थैंक यू शाजिया. वाह,
very nice, zabardast. पता है ये प्रोग्राम करके मुझे इस बात पर बड़ी खुशी महसूस हुई, ये सब पाकिस्तानी गाने. जस्ट इमेजिन, आपने शायद फिल्में देखी होंगी और भूल गए होंगे, लेकिन ये जो कल और आज हमने प्रोग्राम किया ये खास ये बताने के लिए कि हम अक्सर इंडियन गानों को चुन रहे होते हैं अपनी मेहंदी, अपनी फेस्टिविटीज पे, उस पर परफॉर्मेंसेस करने के लिए. लेकिन अगर वाकई पाकिस्तान पाकिस्तान करें तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी. अच्छा निता जी, एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है. हाँ. हमने जो मेहनत की कुछ भी नहीं है. हाँ. मेरी जो टीम थी जिसने सारी परफॉर्मेंस दी. हाँ. और स्पेशली मेरे कोरियोग्राफर राजू, उनको मैं थोड़ी मैं तो कहती हूँ सारे जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं बहुत ज्यादा. बिल्कुल, तो जितने भी हमारे कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने सबको परफॉर्मेंसेस सिखाई हैं, प्लीज आप लोग आइए, क्योंकि चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई अवार्ड शो हो, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कोई ड्रामा हो, जितनी मेहनत एक्चुअली इन लोगों की होती है वो शायद मैं कहती हूँ उस बयान नहीं कर सकते. राजू है हमारे साथ. ये राजू, हाँ जी, जिन्होंने मुझे जो है कोरियोग्राफ करवाया. अच्छा, वाओ, राजू तो है ही वही जबरदस्त, मजेदार. और स्पेशली शाजिया है. शाजिया नहीं, और हीरा हीरा वाकई हीरा है. हीरा के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मुझे आज तक कोई डांस नहीं सिखा पाया. हाँ. लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी और इतना अच्छा डांस और इतने पेशेंस के साथ, दैट इट वाज वेरी इजी फॉर मी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि यहाँ आपने पाकिस्तानी गाने सुने कल भी और आज भी, और ये सब वो गाने जिसपे डांस परफॉर्मेंसेस भी हुई, तो अपनी शादी के इवेंट्स में पाकिस्तानी गानों को ऐड इन करें. तो ये है कि हमारे लिए लाइक हमें फख्र हुआ, अच्छे थे गाने, अभी वो मजा आया होगा. बहुत मजा आया और बहुत अच्छी बीट्स, इतना अच्छा कंटेंट, इतने अच्छे रिदम. आई मीन मुझे तो बहुत, अक्सर लोगों ने पाकिस्तानी गाने सुने ही नहीं है, उसको कहते हैं कि वो मजेदार गाने नहीं. आप सुने तो, जब नई फिल्म आई है कि गाने सुने तो आपको इतना एंजॉय करेंगे. बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे है ना. अभी आज के ये सारे गाने एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के सारे डांस वाले गाने थे. तो जी, इस दफा आप अपने घर की शादियों में पाकिस्तानी गाने ही लगाएंगे, और हमने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल सेट करके दे दी है. उम्मीद है आपको हमारे ये दो दिन बहुत अच्छे लगेंगे. थैंक यू सो मच. और अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो निदा का ये शो देख लीजिएगा, दोनों दिन का मॉर्निंग शोस में सारे मिल जाएंगे. कॉपी भी कर सकते हैं, यही होता है ना, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं. थैंक यू आप सारे सेलिब्रिटीज का, थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला रिहर्सल की और साथ यहाँ अपने फैंस को एंटरटेन किया. आप लोगों की तरफ से एक गिफ्ट है उनके लिए. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा. अब वो जो हमने फ्यूल आपको देना था हफ्ते का, वो हम दे चुके हैं. सैटरडे संडे मनाएं, जरा रिलैक्स होके उसके बाद फिर मंडे को हमारी जिम्मेदारी होगी आपकी सुबहों को खुशगवार बनाना. खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पाकिस्तानी गाने चलाएगा अपनी शादियों पर. गुड मॉर्निंग.